एक सच्चा लीडर कौन होता है और आप एक सच्चे लीडर कैसे बन सकते हो। एक कहावत है, बेरों के झुंड का सरदार अगर एक शेर हो तो शेरों के झुंड को हरा सकता है जिसका सरदार एक भेड़ हो। यानी कि अगर अल्लाह ताला की जात ने आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रखी हैं तो यकीन कीजिएगा आप अपनी कमजोर से कमजोर टीम को भी जितवा सकते हो, क्योंकि जो लीडरशिप होती है ना वो आपको अंदर से मजबूत कर देती है, वो आपको हिम्मत देती है और आपको एक नडर इंसान जो है वो बना देती है। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम एक बड़े लीडर किस तरीके से बन सकते हैं, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है बिलीफ सिस्टम। जितना स्ट्रांग आपका बिलीफ सिस्टम होगा उतने बड़े आप लीडर साबित होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए जंगल के अंदर माइट बी पॉसिबल जो शेर है वो सबसे ताकतवर जानवर नहीं है, सबसे फुर्तीला जानवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जंगल का बादशाह है। रीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका जो स्ट्रांग चीज होती है वो उसका बिलीफ सिस्टम है, उसका एटीट्यूड है जो उसको लीडर बनाता है। अब कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जांपल ले लें, माइट बी पॉसिबल वो जिस्मानी तौर पे इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज बड़े सगीर के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ आपको उनका बिलीफ सिस्टम नजर आएगा, उनका एटीट्यूड था। क्योंकि ना तो वो मुसीबतों से, ना रुकावटों से, ना प्रॉब्लम से वो डरते थे, बल्कि उसको फेस किया करते थे। क्योंकि जो इंसान इन प्रॉब्लम्स, इन हर्डल्स को फेस कर जाता है वो एक्चुअली बड़ा इंसान बन जाता है। आप कभी एक बात नोटिस कीजिएगा, जब रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ होता है तो ज्यादातर लोग उस एक्सीडेंट को देख के जो है ना वो पीछे चले जाते हैं, आगे नहीं आते। लेकिन जब ही एक इंसान आगे आता है, उसकी मदद करता है, तो वहां पर रश शुरू हो जाता है। वजह क्या है कि वहां पर एक लीडर आ गया है। देखिए ऐसे ही आप, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, आप अपनी ग्रोथ स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, आप अपनी ऑब्सेशन स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, आपको डिफरेंट किस्म की हर्डल्स आएंगे, उसमें प्रॉब्लम रुकावटें होंगी। जब आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर जाते हैं डट के, तो आप एक बड़े लीडर अपनी फील्ड के अंदर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप डर जाते हो तो कभी भी आप अपनी उस फील्ड के अंदर एक जो मास्टरी अचीव नहीं कर पाते, एक लीडर नहीं बन पाते। क्या हूं किसी ने कहा है कि आपके जिंदगी के अंदर जो मुसीबतें और मुश्किलें आती हैं या आपको सिखा रही होती हैं या आपको जिता रही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच। आप बहुत ज्यादा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा मशकूर हूं। एट द एंड मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये स्लाइड जो नजर आ रही है जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी कि मेरे नाम से ही मेरा चैनल है आफ्ताब भट्ट के नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।